दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलर्स चैनल पर कई सारे सीरियल प्रसारित होते रहते हैं, जिसमें नजर आने वाली अभिनेत्रियां अच्छी एक्टिंग करके अपने शो की टीआरपी बढ़ाती हैं और इस तरह से चैनल को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। जी हाँ, कभी अभिनेत्रियां चैनल को फेमस कर देती हैं तो कभी चैनल ने अभिनेत्रियों का करियर बना दिया है, और इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जिनका बनाया है कलर्स चैनल ने करियर। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करें और जानें कलर्स चैनल ने किन अभिनेत्रियों का करियर बनाया है। नंबर वन, इशिता दत्ता। सबसे पहले बात करते हैं अभिनेत्री इशिता दत्ता की, और इनके भी करियर को कलर्स टीवी ने बनाया है। जी हाँ, इन्हें ढेर सारी पॉपुलैरिटी बेपनाह प्यार से मिली है, जिसमें इन्होंने प्रगति का किरदार निभाया था और अपने इस किरदार को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया था, और इनके इसी टैलेंट को देखकर इन्हें कहीं और सीरियल में अभिनय करने का मौका मिला, जिसे ये कहना गलत नहीं होगा कि कलर्स चैनल ने इनका करियर बनाया है। नंबर टू, प्रियल महाजन। चलिए बात करते हैं मौलक की सीरियल की, जिसमें प्रियल महाजन पूर्वी का किरदार निभाती हुई नजर आई थी, और ये शो कलर्स चैनल पर प्रसारित हुआ था जो काफी सुपर डुपर हिट साबित हुआ था, और इस शो के सुपर हिट हो जाने के बाद इन्हें कई सारे शोज में अभिनय करने का मौका मिला, तो इस तरह से कलर्स चैनल ने इनके करियर को बना दिया है। नंबर थ्री, आंचल साहू। अब बात करते हैं अभिनेत्री आंचल साहू की, जो कलर्स टीवी के शो बैरिस्टर बाबू में बॉन्दिता का किरदार निभाकर मशहूर हो चुकी हैं, और इस शो से इन्हें दर्शक काफी ज्यादा जानने लगे थे, और एक यही वजह है कि ये बहुत ही जल्द एक न्यू शो में अभिनय करती हुई नजर आने वाली हैं। नंबर फोर, राधिका मुथुकुमार। अब बात करते हैं टीवी इंडस्ट्री की मल्टी टैलेंटेड अदाकारा राधिका मुथुकुमार की, जो इन दिनों कलर्स टीवी के शो ससुराल सिमर का सीजन 2 में अभिनय करती हुई नजर आ रही हैं, और अपनी ऐसी एक्टिंग से सभी दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही हैं। तभी तो आज कई सारे प्रोड्यूसर इन्हें अपने शो में काम देने की बात कर रही हैं, और इस तरह से कलर्स टीवी ने इनका करियर बना दिया है। नंबर फाइव, तेजस्वनी प्रकाश। बिग बॉस 15 में नजर आ रही हैं अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश का भी करियर कलर्स चैनल ने ही बनाया है। जी हाँ, इन्हें ढेर सारा फेम सौरागिनी सीरियल से मिला है। आपको बता दें, सीरियल में इनके किरदार से पहले किसी और अभिनेत्री को कास्ट किया गया था, पर डायरेक्टर को इनके अंदर कुछ खास बात लगी, जिस वजह से उन्होंने इन्हें इस शो में अभिनय करने का मौका दिया, जिनके इस मौके के साथ साथ कलर्स चैनल ने इनका करियर बना दिया। नंबर सिक्स, जिज्ञासा सिंह। अब बात करते हैं जिज्ञासा सिंह की, जो इन दिनों कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे शो थप की प्यार की सीजन 2 में अभिनय करती हुई नजर आ रही हैं। पर आपको बता दें, कलर्स चैनल पर प्रसारित किया गया इस शो का पहला सीजन में भी एक्टिंग करती हुई नजर आई थी, तभी तो इन्हें एक बार फिर से सीजन 2 में अभिनय करने का मौका दिया गया है, जिससे इनका करियर बनने के साथ साथ इन्हें खूब पॉपुलैरिटी भी मिली है। नंबर सेवन, प्रियंका चौधरी। जी हाँ, प्रियंका चाहर चौधरी भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक है जिनका करियर कलर्स चैनल ने बनाया है। इन दिनों ये उदारियां सीरियल में तेजो का किरदार निभा रही हैं और ढेर सारी पॉपुलैरिटी हासिल कर रही हैं। उन्होंने इससे पहले भी सीरियल में काम किया था, पर उन सीरियल से इन्हें कुछ खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, और इस तरह से कलर्स चैनल ने इनका करियर बना दिया है। नंबर एट, शिवांगी जोशी। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अभिनेत्री शिवांगी जोशी का नाम शुमार है, जो वर्तमान में कलर्स टीवी के शो बालिका वधु सीजन 2 में आनंदी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं, और इन्हें भी कलर्स चैनल ने पॉपुलर किया है। जी हाँ, ये इससे पहले भी ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नजर आ रही थी, जिसे स्टार प्लस पर प्रसारित किया गया था। पर आपको बता दें, इनका करियर कलर्स चैनल ने ही बनाया है, जिसमें प्रसारित हुए सीरियल बेइंतहा से इन्हें दर्शकों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस बना दिया था और उनके करियर को भी चमका दिया था। तो दोस्तों, आपका इस जानकारी के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।